हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमिल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैस्टर ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एसएससी रीजनिंग। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करना। औसत सबसे पहला पॉइंट है, औसत इसको समझना है। तो औसत का मतलब होता है सबसे बीच की संख्या, सबसे बीच की संख्या। औसत का मतलब क्या होगा? बीच वाली संख्या। तो देखो, 100 धन पूर्णांक जैसे कि एक है ना, दो, तीन, चार, ऐसे करते करते अपनों को आधा देना 100 तक। अब सबसे पहले देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। एक का डिफरेंस है, इनमें कितना डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है। जब डिफरेंस बराबर सबे समान हो तो कुछ नहीं करना। पहला अंक और लास्ट अंक, पहला कितना एक है, लास्ट वाला 100 है, इनको जोड़ के 2 का भाग लगा दो। तो 101 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 × 10 और 0 2 × 10 50.5। डी ऑप्शन मैच कर गया। जब डिफरेंस अगर समान हो तो पहला अंक और लास्ट अंक को जोड़ लो और 2 का भाग लगा दो, आपका औसत आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब 9 अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों? सबसे पहले अब इसने कहा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होती है तो सबसे पहले दोस्तों संख्या होती है 2 होती है, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, अब 9 नहीं होगी, फिर होगी 11, फिर होगी 13, फिर होगी 17, फिर होगी 19, फिर होगी 23। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसमें भाग लगाना दोस्तों, को 9 का भाग लगाना है। तो इन सबको काउंट कर लेते हैं। 2 × 3 × 5 × 10 = 12 × 28 × 28 × 28 = 3 × 31 × 41 × 41 × 48 × 48 × 23 × 31 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 × 48 ×
यानी कि ये हो गया आपका 100/9, क्योंकि यहाँ जो यहाँ ट्रिक लगाई वो ट्रिक यहाँ नहीं लगी, क्यों कि यहाँ जो डिफरेंस है वो समान नहीं है। जैसे 3 और 2 का अंतर 1, फिर 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 7 का अंतर 2, 7 और 11 का अंतर 4, यानी कि अंतर इसमें एक समान नहीं है। अंतर समान नहीं है इसलिए इसमें सबको जोड़ना पड़ेगा, ये अंतर है दोनों। अगर अंतर समान होता तो यहाँ भी अपन पहला और आखिरी अक्षर जोड़ लेते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन में कुछ अलग न अलग ट्रिक आएगी, एक जैसी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। तो अपनों ने जोड़ लिया, 100 हो गया, 100 में 9 का भाग लगा तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 11 से 1/9, 11 से 1/9 ये इसका राइट आंसर, 11 से 1/9, 11 से 1/9 सी ऑप्शन मैच कर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3, 100 से कम सभी विषम संख्याओं को औसत, 100 से कम देखो विषम संख्या है, इसने क्या कहा विषम संख्या, तो पहली संख्या होगी 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, 7 होगी, ऐसे जाते 100 से कम की बात कर रहा है यानी कि 99 होगी। तो कह रहा है इनका औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों, इनका डिफरेंस कितना आ रहा, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यानी सब में 2 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस समान है तो पहला अंक और लास्ट अंक को जोड़ लो, वही वाला पहला वाला क्वेश्चन वाला ट्रिक, तो इनको जोड़ा बटा 2 का भाग लगा दो, तो 99 और 1 100, 2 का भाग लगाएं तो 50, बी ऑप्शन मैच कर। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 100 तक की सम संख्याओं को औसत निकालो। अब 1 से 100 तक सम संख्या क्या होगी दोस्तों, सम संख्या की बात कर रहा है, तो 1 के बाद सम संख्या आएगी 2 आएगी, फिर आएगी 4,
फिर आएगी 6, इसे लास्ट में आएगी अपने को 100 मिलेगी। इनका डिफरेंस देखते हैं तो 2 का डिफरेंस है, इनमें 2 का डिफरेंस है, यानी सब में डिफरेंस समान है। तो पहला अंक और लास्ट वाला अंक 2 प्लस 100 को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो 102 बनेगा, 2 का भाग लगेगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 इसका आंसर आ गया, 51 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत निकालिए। अब 25 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत, तो 25 एकम 25 25 दूनी 50, 25 तीय 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना अपनों 9 गुणन, तो 25 में 25 नमा 225। अब इनका औसत निकालना है यानी बीच की संख्या, देखिए तो इन दोनों का अंतर कितना है, 25 का अंतर है, इनमें भी 25 का अंतर है, इनमें 25 का अंतर है। जब डिफरेंस अगर समान हो तो पहला अंक और लास्ट वाला अंक जोड़ लो, 25 प्लस 225 बटा 2, तो 225 और 25 जोड़ेंगे तो कितना 250 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 पंजे 10, 125 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 86 है, तो 5वीं संख्या क्या होगी। देखो 5 क्रमागत सम संख्या है, अब पहले तो मान लो कि क्रमागत सम संख्या, पहली संख्या ए, दूसरी बी, तीसरी सी, चौथी डी और 5वीं ई, ये 5 संख्या है। अब ये कह रहा औसत, तो सम संख्या है और ओस ये भी सम संख्या है, तो औसत यानी बीच की, तो बीच वाली ये संख्या है, तो कितनी 86 है। कह रहा 5वीं संख्या क्या है, तो ये 86 है, ये 88 होगी और ये 90 होगी, तो 5वीं संख्या अपनी 90 होगी, ये राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं, हाँ, 4 क्रमागत विषम संख्याओं को औसत, विषम संख्याओं को औसत 96 है, तो पहली संख्या क्या होगी। देखिए 4 क्रमागत है, क्रम से चल रही है, विषम संख्या है, ठीक है, तो मान लीजिए कि पहली संख्या अपनी ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है और चौथी डी, ये 4 संख्या है। लेकिन अब ये कह रहा है कि इनका औसत, देखो इनका औसत, अब संख्या 4 है तो इनके बीच में एक संख्या सेंटर में आएगी, यह आएगी और ये 96 आएगी, जो ये विषय में ये सम संख्या दे रखी है ना, तो इसके बाद कौन सी आएगी, विषम संख्या की बात कर रहा, तो 96 की बात कौन सी आएगी, 97 आएगी, फिर आएगी 99, इससे पहले आएगी 95, इससे पहले आएगी 93, 95, 97, 99, इन सब का औसत है 96। तो कह रहा है कि पहली संख्या 93 से ऑप्शन मैच करेगा, पहली संख्या क्या होगी 93। अब यह पूछ ले कि पहली और आखिरी का अंतर निकालो, तो इन दोनों का अंतर निकालो, 99 से 93 गए तो 6 आंसर आ गया, कहते कि इन दोनों का योग करो, पहली और आखिरी का योग करो तो भी योग निकालो, पहली और तीसरी का औसत निकालो तो निकाल लो, ये जैसे कहे वैसे आंसर आपका मिल जाएगा।
आपको सिर्फ संख्या मालूम पड़ेगी। केले की यूँ कहते हैं कि तीसरी और चौथी का औसत निकालो, तो इन दोनों का अगर औसत अगर पूछे वहाँ कि तीसरी और चौथी का औसत, इन दोनों का अगर औसत निकालना है तो क्या होगा, 97-99, तो बीच में 98 आएगा, ये इसका औसत हो गया। प्रश्न को जैसे पूछे वैसे आप उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पांच क्रमागत संख्याओं का औसत एक से है, यदि अगली दो संख्याओं को मिलाने पर औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पांच क्रमागत संख्या है, देखो पहली संख्या है ये है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये पांच संख्या है, इनका औसत क्या है एक से, इनके नीचे अपन पांच का भाग लगा दें है ना। अब ये कह रहा है पांच क्रमागत संख्याओं का औसत एक से है, ये कह रहा है अगली दो संख्या और मिलाने पर औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इनको अपन क्रम संख्या मान लेते हैं, जैसे पहली संख्या अपनी एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है और ये पांच, इनका औसत कितना दिया उसने एक दिया, तो निकाल लेते हैं। देखो इनको जोड़ लेते हैं, तो एक ने दो, तीन तीन छः, चार दस ने पाँच, पंद्रह, पंद्रह बट्टा पाँच, पाँच तीन पंद्रह, तो एक बराबर कितना आ गया तीन आ गया, इस x का मान कितना आ गया तीन आ गया अपने इसके हिसाब से। ये रह गया अगली दो संख्या और मिलाने पर, तो अगली दो संख्या और मिला दो, तो देखो ये एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच, अगली दो संख्या और मिलाओ तो छः और सात, दो और मिला दिए अपनों ने, तो भाग सात का लगेगा, तो पंद्रह इक्कीस सात अट्ठाईस बटा सात, सात चौक अट्ठाईस, तो इसका मान कितना आया चार आया, कितना बड़ा एक बड़ा, यानी कि एक की वृद्धि होगी, वृद्धि कितनी होगी एक वृद्धि होगी, तो ए ऑप्शन अपना मैच कर गया, एक की वृद्धि होगी, ये वाली बात है। अगर आप कुछ भी कह दें कि दो संख्या कम कर दें तो औसत क्या होगा, अगली छः का अगर योग करें तो औसत क्या होगा, कुछ भी क्वेश्चन, ना तो वृद्धि होगी ना कमी होगी, कुछ भी पूछ सकते हैं। पहली दो संख्याओं को हटाओ और अगली दो संख्याओं को जोड़ दो तो औसत क्या होगा, कुछ भी पूछ ले, तो आप जैसा पूछे वैसे कर दीजिए। ये कह रहा है कि अगली दो संख्या जोड़ दो और पहली दो संख्या हटा दो फिर औसत क्या होगा, तो आप एक और दो का हटा दें तो अगली दो संख्या को जोड़ दें फिर औसत क्या होगा उसको निकाल लो आप इस तरीके से, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो पहले तीन आया था अब चार आ रहा है, तो कितनी एक की वृद्धि होगी, एक ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 36 छात्रों के एक समूह में की औसत आयु 14 वर्ष है। देखो 36 की औसत 14, इनका गुणा करें तो चौदह बंजे सीता, चौदह छंग चौरासी, आठ चौदह तीय बयालीस, बयालीस चौदह बंजे सीतर, चौदह छंग चौरासी हासिल आया आठ, चौदह तीय बयालीस, बयालीस आठ कितना होगा, बयालीस और आठ पचास, बयालीस और आठ सत्तर, चौदह छंग चौरासी का चार आंसर है आठ, चौदह तीन बयालीस आठ पचास, ठीक है। अब ये कह रहा है एक शिक्षक की आयु सम्मिलित कर जाने पर औसत आयु एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो एक शिक्षक और अगर सम्मिलित करे तो छत्तीस नहीं कितना होगा सैंतीस होगा,
और इसमें एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 14 ने कितना होगा 15, इनका गुणा करें 15 साथ 105 का 5 कहाँ से लाया 10 साथ 105 है ना, 15 ती है 45 और 10 55, इनको माइनस करेंगे तो 5 में 4 के तो 1 और 5 के 5 ही 5 51 वर्ष, 51 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, शिक्षक की आयु कितनी होगी 51 वर्ष हो जाएगी, ये सी ऑप्शन इसका मैच कर गया। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।